Assalamualaikum, क्या हाल है गाइस? We are finally back in another vlog. जाने दे भाई. हेलो, अस्सलामुअलैकुम गाइस. तो कैसे हैं आप सब? ये व्लॉग अली अदर मामू का है, शूट मैं कर रहा हूँ. तो अली अदर मामू भी होंगे आधी आधी जगह. वैसे मैं, मेरा ये फर्स्ट टाइम है इसलिए थोड़ा घबराया हूँ. कोई ऐसी बात नहीं है, मामू को भी दिखाएंगे आगे चल के साथ ही नहीं. गाइस क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक है यार, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे. मुरीद को मेरे आज का इंट्रो बनाओ. वैसे अंकल ही थोड़ा घबरा रहा था ना. नहीं, आप बहुत घबरा रहे थे. अच्छा, आप भी घबरा रहे? नहीं, मैं तो नहीं घबरा रहा. मैं बनाता रहता हूँ. अच्छा, उसका फर्स्ट टाइम है, मैं बनाता रहता. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है. मैंने अंकल को सलाम किया, मैंने बोला अंकल पीछे खड़े हो, हमारी वीडियो की वजह से रुक गए यार. नहीं, मैं नहीं, नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है. बेसिकली मैंने उसको बोला कि आज तुम इंट्रो करो, डेली मैं करता हूँ तो आज ये करो. सो यार सबको वेलकम हो गया. चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें. जी जी, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है भाई. ये नीचे से ऊपर आएगा, हमने नमाज पे जाना. नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लें आप, नमाज पढ़ो जान जाए. कुछ काम आएगा नहीं आएगा आपके, नमाज जो ना बेटा चाचू वो काम में आएगा. ये बिल्कुल ठीक कह रहे, बिल्कुल ठीक है. मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हर जुम्मे का जो ब्लॉग होता है उसमें नमाज पढ़ लेता हूँ. नमाज पहले हम कोशिश करो कि आप हर नमाज पढ़ो, जमात से आप पढ़ो. फर्स्ट पढ़ लें आप, कुछ पढ़े नहीं पढ़े वो अपने लिए. सारा दिन काम कर रहा हूँ, किसके लिए? अपने लिए नहीं कर रहा. बेशक बेशक, ये तो नमाज जो ना वो अपने लिए. आप खुश रहे ना, बात रहे. आमीन आमीन, थैंक यू. अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. बाकी वैसे भी हम नमाज पे जा रहे थे. मैं साथ वाली मस्जिद में जाता हूँ ना, उसमें थोड़ा लेट होती है और ये कि वहाँ जगह भी होती है तो इजीली इंसान पढ़ लेता है. भी पढ़े अल्लाह से अर्ज़ करना है. बेशक बेशक, कहीं पढ़े वो नहीं कि यहाँ पढ़ना है वहाँ नहीं. बिल्कुल. मुरीद ले आया बाइक, चलते. चल यार मुरीद जल्दी स्टार्ट कर. सो अभी चलते हैं. ले, ये स्टार्ट करने का बोला था इसने तो बंद कर दी बेवकूफ. तो गाइस इससे बाइक स्टार्ट करने का बोला था इसने बंद कर दी. तो अभी चलते हैं यार, सामान लेने जा रहे हैं बेसिकली, फिर आगे जुमने की तैयारी करनी है. तो लेट्स गो, चलते हैं. मैं भी देखता था जब मैं वीडियो बनाने लगा तो मेरे से भी एक वक्त आया था स्टार्टिंग में मुझसे नहीं बोला जाता था. और बाजू का तो अभी भी ऐसा होता है पब्लिक के आगे नहीं बोला जाता. बोलने की बात नहीं है, बंदा घबरा जाता है. फर्स्ट टाइम कैमरा जब ओपन होता है ना आंखों के सामने तो अजीब सा लगता है. इंसान के वो नहीं होती, हिम्मत नहीं होती ना. हिम्मत नहीं होती. वैसे बोल सकता है इंसान, मतलब ये जब कैमरा खुलता है ना गाइस, ये बात है कि जब कैमरा सामने तो इंसान के तो भव्य पता नहीं क्या होगा. अचानक से एक नई चीज होती है ना. वैसे तो हमारे घर वाले बोल रहे होते हैं बहुत बोलते हो, कब बोला. सही बोल रहा है. चलो चले. सीन ये हुआ भाई कि मेरी बाइक में हो गया फ्यूल खत्म. तो अब क्या करूंगा, मुझे जॉब पे भी जाना लेट हो रहा. तो मुरीद करेगा इस बाइक से मुझे टो, या मैं इस बाइक पे बैठूंगा और मुरीद मेरे वाली बाइक चलाएगा और मुझे देगा टो और हम जाएंगे पंप तक पेट्रोल डलवाएंगे. यही देसी नुस्खे, आ जाओ चलते हैं यार. हाँ जी मुरीद, मजा आ रहा है मेरे मुंह से बोलो जी. Once more. ये देखो यार, अभी हम जा रहे हैं भाई. ये मैं तो कर रहा हूँ एक पाँव से और मुरीद साहब चला रहे. मुरीद देख के पीछे रक्षा, ये नहीं हो तेरा ही नमाज पढ़ाई जाए बाद में. आगे मैं देख रहा हूँ. अबे भाई बड़ी रश हो गई, ये देखो. अबे 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 ये जाने दे भाई जाने दे. 109 सीधा जाके वो ट्रक में लग जा सामने. जाने दे. हाँ तो भाई फाइनली एकदम हम आ गए. मुरीद साहब पेट्रोल डलवाएंगे वहाँ से मेरी गाड़ी में. मैं अपनी गाड़ी यहाँ करता हूँ साइड पे खड़ी. और भाई गर्मी बहुत है यार. वैसे ये मैं मुरीद की बाइक पे हूँ, मुरीद मेरी बाइक में फ्यूल डलवा रहा है. फिर चलते जल्दी से जॉब पे. बाकी यार बोला तफरी आई, बड़े टाइम पर टो किया. बचपन में करते थे ऐसे वैसे जब बाइकों में तेल खत्म हो जाता है. हाँ भाई डलवा लिया, कितने का डलवा ले, जितने का डलवाना.
गाइस पेट्रोल डलवा के मिलते हैं। ये अर्तुल खान, ये अर्तुल खान देख रहा है मुझे, ये अर्तुल खान। हाँ तो यार फ्यूल डलवा लिया, पूरी सब आ रहे हैं। हाँ भाई डलवा लिया, चले अब मामू जाएंगे जॉब पे और मैं घर। हाँ और मेरा पब्लिक से एक वो है कि मेरी हालत को इग्नोर करना। मैं नींद में से उठा था और मामू ने बोला चलो थोड़ी मुरीद को, यार अपनी हालत को लेके ना मुरीद बहुत कॉन्शियस है। मुरीद कह रहा था यार मैं किस तरह व्लॉग में आऊंगा, मतलब भाई ये हमारी फैमिली है, हमारी यूट्यूब फैमिली, हम जिस तरह भी हैं जो भी हैं जिस हाल में भी सामने आना है, क्योंकि स्क्रिप्टेड नहीं है ना, फेक नहीं है कुछ भी, है सब कुछ रियल है। बाकी मज़ा आया, अभी चलते हैं जॉब के लिए, हो रहा हूँ लेट। वो मैं तो अब चला जाऊँगा, मामू ही एंड करेंगे व्लॉग को। लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, अकल किया करो। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये। बाकी यार ये है कि मुरीद फर्स्ट टाइम आया, बताना मुरीद ने कैसा इंट्रो बनाया। मुरीद में भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, इंशाल्लाह आस्ते आस्ते हो जाएगा। सो लेट्स गो, भी चलते हैं जॉब पे। हाँ हाँ टिकटॉकर, टिकटॉकर क्या कर रहे हो, टिकटॉकर दिखाओ वीडियो, दिखाओ टिकटॉकर, दिखाओ अपनी वीडियो। यार ये देखो टिकटॉकर वीडियो बना रहे, ड्राफ्ट में डाली मैंने, ड्राफ्ट में डाली। ओ फैन फॉलोइंग बिग लव। चलो यार आ जाओ शहजादे आओ, कम। हाँ जी तो यार फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आगे बार भाई आगे। किसको कॉल करूँ, मदर को, मदर नीचे होगा। गोदा वेलकम होगा मेरे व्लॉग में, वेलकम करो, बोलो सबको, बोलो क्या हाल है भाई, क्या हाल है गोदा, सब ठीक हो। तो गाइस बेसिकली गोदा का मतलब है भाई, सराइकी का वर्ड है, इन्होंने मुझे बताया। भाई को गोदी बहन को बोलते हैं। गोदा भाई को बोलते, गोदी बहन को बोलते, ये अच्छा था। अरे तो गाइस यार आज मैं सुबह से बिजी था, आपने देखा उस वक्त मैं जॉब पे आया था, अभी हम जा रहे अपना नीचे जा रहे हो, बाइक निकालेंगे फिर जात बनेंगे पूरी रोड पे क्या बने, ब्लॉग बनाते। ये हम अभी नीचे जा रहे हैं, फिर हम जात बनेंगे पूरी रोड पे ब्लॉग बना, समझ रहे हो ना इसकी बात है। तो ये है भाई हमारे, अभी हम फ्लोर पे आ गए, लिफ्ट चल रहा है। और अभी हमारा एक पार्टनर और आएगा, उसको हम कॉल करेंगे, वो भी हमारे साथ ही होगा। अच्छा अच्छा वीडियो में ठीक है, उसको कॉल करें, वो कॉल लेकिन उठा नहीं रहा। बेसिकली मदर की बात कर रहा है, मदर चला गया। तो यार गाइस मैं अभी यहाँ के कोई व्लॉग बना नहीं सका यार, क्योंकि काम में बहुत बिजी था। तो मैंने बोला यार आपके अपनी ऑडियंस को बता दूँ, तो अभी फाइनली अभी फ्री हूँ, सुबह से काम में था, तो अभी जा रहा हूँ घर। तो घर जाके व्लॉग की एंडिंग भी करेंगे, तो अभी तो फिलहाल चल रहे हैं। गोदा मेरे साथ है, गोदा को लेकर जा रहा हूँ। गोदा साथ हो ना मेरे, गोदे साथ मैं। यार तुम कैमरे में इतने प्यारे आ रहे हो, कैमरे में रियल में तो बिल्कुल तुम झपाटे हो, लेकिन कैमरे में बहुत अच्छे आ रहे हो। थोड़ा वो है ना अपना क्या, फिल्टर नहीं है, रियल बन रही है। सो लेट्स गो यार गाइस चलते हैं नीचे। फिल्टर होता ना, वो फिल्टर से फिर बंदा थोड़ा खूबसूरत नजर। नहीं तुम गलती से खूबसूरत नजर आ रहे हो। सो यार घर चल के मिलते हैं आपको, लेट्स गो। हाँ भाई तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो गाइस ये है मोहम्मद ट्रॉफ है, क्या हुआ, ये दूध पी रहा है, बताशी दूध पी रहे हो, क्या कर रहे हो। ये देखो अपनी दूध पीने की पड़ी हुई है भूखे को, कोई ये नहीं बता के यार वीडियो में लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब बोलना है। अरे अच्छा गाइस को हाई कर दो जल्दी से, हाई कर दो। तो गाइस ये देखो जरा दूध पी रहे भाई, भाई टुड्डू भी रे। तो भाई गाइस यार अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ गया हूँ घर, तो आपके साथ लेट के बात करता हूँ, तो आप जल्दी बताओ भाई इसको हम कहाँ। तो कहते फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ गया हूँ घर, और यार अभी चेंज वगैरह कर लिया, थोड़ा सा फ्रेश हुआ हूँ। और ये देखो ये हसन राम प्यारे, ये क्या करें, ये पबजी में घुसे हुए, ये देखें ये पबजी खेल रहे हैं, कोरंगी के दिलीप कुमार। बेटा इसमें तुम कुत्ते की तरह मर रहे होगे, मुझे पता है वहाँ भरपूर तुम्हें मार रही होगी। वो देखो ये दोबारा जिंदा हो गया। ए भाई कभी किसी चीज़ में तुम कामयाब नहीं होना, तुम कभी किसी चीज़ में कामयाब नहीं होना, ऐसे ही मरते रहोगे। ये देखो ये नूप, अरे भाई वो किसी गरीब को मार दिया जिसको खेलना ही नहीं आता। तो ये भाई यहाँ गेम खेल रहे हैं, वो वहाँ नवाब साहब दूध पी रहे। तो अब दूध पी रहे हो। तो यार अब आ गए अल्हम्दुलिल्लाह घर। हाँ तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल ये यार ये क्या, अबे क्या हो गया, अबे इसके ये लग रहा है वो कह रहा है मेरे सिर में दर्द कर दिया इन्होंने, ओए होए बड़ा दुख हो रहा है, समझ रहा हूँ मैं आपकी बात। तो यार अब आ गया हूँ मैं घर अल्हम्दुलिल्लाह। तो यार आज का व्लॉग ऐसे ही था, क्योंकि आपको पता है जुम्मे का व्लॉग होता है,
सुबह जुम्मे मुझे मॉर्निंग में उठना होता है, उठते ही पहले तो यार जल्दी से नहा दो कि फ्रेश होना होता है। सेकंड ईयर उसके बाद नमाज की तैयारी, ब्रेकफास्ट का करना, तो आपको पता है ये सारे सीन चलते ही रहते हैं। क्या भाई क्या आवाज़ दे रही हो बताओ, हैं? तो ये सीन चल रहे होते हैं, बीच में मुझे तुराब ने आवाज़ दे दी, तो मैंने बोला यार सुननी पड़ेगी, मेरे बच्चे हैं छोटा। तो भाई तुराब को बेसिकली काफ़ी लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते मैं बता दूँ, तुराब जो है बेसिकली कोबरा के छोटे भाई हैं। तो ये भी मेरे भांजे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिस्टर के बेटे, सॉरी भतीजे है मेरी सिस्टर के बेटे हैं। तो इसको मैं ब्लॉग्स में कम लाया हूँ, लेकिन अब लाऊंगा, माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, थोड़ा चलने फिरने लगे, मतलब बड़े हो जाना तो फिर लेके आएंगे आप। तो यार आई होप आपको वीडियो पसंद होगी। तो भाई आज का ब्लॉग यही था, आज शॉप पे काम बहुत था जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, वरना अक्सर तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बनाता हूँ, आप लोगों को पता भी है, तो अक्सर वीडियोज़ बनाता हूँ। आज यार टू बी ऑनेस्ट बहुत बिजी था, तो अभी घर पर आऊँ सुकून हुआ है, कुछ चेंज किया है, अब बहुत भूख लग रही, कुछ खाऊंगा। तो आई होप यार आपको वीडियो पसंद आएगी, इसी तरह वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, अबे क्या बोल रहा हूँ, इसी तरह वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन जरूर दबाओ यार, बेल आइकॉन से ये होता है कि कोई भी न्यू व्लॉग आता है तो आपको अपडेट मिल जाती है और आपके पास नोटिफिकेशन आया था, तो बेल आइकॉन को घंटी को ऑल पे क्लिक कर देना, तो जैसे भाई का व्लॉग है तो उसको सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक करना और बहुत सारा प्यार दिखाओ, अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो, मुझे दुआओं में याद रखो, अल्लाह हाफिज़।